कोटा शहर के नए एसपी शरद चौधरी ने ज्वाइन एसपी शरद चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, चाकूबाजी की वारदातों पर अंकुश लगाना वह कोचिंग छात्रों की सुरक्षा रहेगी प्राथमिकता। करीब डेढ़ माह बाद मिला है कोटा शहर को नया एमपी आईपीएस शरद चौधरी, पहले भी कोटा ग्रामीण के रह चुके हैं एसपी। मेरा सौभाग्य है कि मुझे दोबारा कोटा की धरती पर काम करने का मौका राज्य सरकार के आदेश से मिला। पहली बार कोटा ग्रामीण में मैं पद स्थापना रही थी और काफ़ी सारे आप मीडिया बंधुओं के चिरपरिचित चेहरे हैं जिनको मैं इस बार कोटा सिटी की इस पद स्थापना में मैं प्रयास करूंगा। आप लोगों से बात करने से पहले जो मेरी टीम है एडिशनल एसपीज की, डिप्टीज की, उनसे मेरी चर्चा हो रही थी। उन्होंने कुछ हमारी कमजोरियां बताई, कुछ कमियां बताई, कुछ संसाधन की कमी बताई, कुछ अपनी उपलब्धि बताई। जैसा पिक्चर उनके दिमाग में थी मेरे सामने रखी गई, उस पिक्चर को और बेहतर कैसे मैं बना पाऊँ, आपको भी उसमें कोई सुधार नज़र आए आने वाले समय में, इसके लिए मैं सारा प्रयास करूँगा। आप सभी मीडिया बंधुओं से मेरा निवेदन है उस पिक्चर को बेहतर बनाया जाए, वो किसी न किसी सुझाव से होगा। कुछ हमारे पास है जिसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, कुछ अभी आपके कुछ साथियों ने दिए उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। कहना मैं ये चाहता हूँ, आपके सहयोग का मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप सभी साथियों का अपेक्षित सहयोग मिलेगा। निश्चित रूप से आप जनता के सामने हमारे कार्य को प्रस्तुत करते हैं, मैं ये दावा नहीं करता। मेरा कार्य 100% पूर्ण है, उसमें कमियां हैं, सुधार की गुंजाइश है, तो उस समय समय पर हमें चेताते रहें, हमारी कमियां भी बताएं, हमारे जो सुधार हैं वो भी जनता के सामने रखें और जो प्रयास हैं वो भी जनता के सामने रखें। और हमारे और आपके बीच में कम्युनिकेशन गैप, संवादहीनता की स्थिति कतई नहीं हो, इसके लिए मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा। आप खुले मन से बात करें मेरे से, मैं खुले मन से जवाब दूंगा। सर, आपने कहा कि कोचिंग वाला एरिया है आपके लिए नया रहेगा। कोचिंग देखिए, कोटा सिटी का बहुत बड़ा व्यवसाय है, तमाम लाखों बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। तो अब जब इतने सारे बच्चे पूरे हिंदुस्तान से यहाँ हैं और अब ये तो इस्टेब्लिश्ड हो गया, बहुत समय से है, ऐसा नहीं कोई नया व्यवसाय चालू हुआ है। अब उसमें सबसे बड़ी समस्या जो आपने बताई, बच्चे अक्सर आत्महत्या कर लेते हैं, ये एक चीज़ खुल करके सामने आई है और ये काफ़ी समय से है। काफ़ी सारा प्रयास कोटा पुलिस ने, कोटा प्रशासन ने किया है, कुछ इन्होंने रेगुलेटरी नॉर्म्स बनाए हैं जिसकी की पालना कोचिंग संस्थानों को और जो वो पीजीज हैं जिसमें बच्चे रहते हैं उसकी पालना करनी है। राजस्थान सरकार अतिशीघ्र इस संदर्भ में बिल तक लाने के लिए प्रयासरत है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ केवल कोटा पुलिस या कोटा प्रशासन ही चिंतित नहीं है, राज्य सरकार को भी इस बारे में चिंता है। राज्य सरकार प्रयासरत है कि एक ऐसा बिल लाया जाए ताकि इस समस्या का निराकरण पूर्ण रूपेण से हो सके। वो बिल आ जाएगा तो उसमें तो लेट डाउन सारे नियम्स होंगे, उसकी हमें पालना करनी होगी, हम पालना करवाने की एजेंसी होंगे, वो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उसके अंदर वो सब पालना सुनिश्चित करेंगे। जब तक वो नहीं आ रहा है तो जो व्यवस्था मौजूद है उसमें और जो बेहतर मैं कर पाऊंगा, जैसे मेरे दिमाग में मैं एक ग्रुप बनाऊंगा बच्चों के साथ, हमारे से पुलिस मित्र का आप ही ने सुझाव दिया तो मैं एक पुलिस मित्र को 250 बच्चों के ग्रुप में जोड़ दूंगा, उनसे इंटरेक्ट करेगा, वो व्हाट्सएप पे कुछ डाल रहे हैं क्योंकि जब उसकी मनोदशा विपरीत होती है।